YouTube के पांच अमेजिंग फीचर्स और लास्ट वाला तो बहुत ही ज्यादा शानदार है, मिस मत करना। हाय गाइस, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्टोनिक्स। जय हिंद। आज लेकर आए हैं आप लोग के लिए YouTube की पांच अमेजिंग सेटिंग्स, जो कि काफी सीक्रेट है, हर किसी को नहीं पता है, तो इसलिए इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली सेटिंग तो दोस्तों बड़ी कमाल की सेटिंग है। सपोज करिए आपने बहुत सालों पहले कोई वीडियो देखा था, अगर आपको वो याद आ रहा है और आपने सोचा कि भाई मैंने YouTube पे वो वीडियो देखा था, वो सॉन्ग मुझे चाहिए या मुझे वो वीडियो देखना है, तो आप कैसे उस चीज को वापस से ला सकते हैं अगर आपने सेम उसी आईडी से वो वीडियो को देखा था। तो सिंपली आपको यहाँ पर जहाँ पे ये टी लिखा हुआ है वहां पर आपकी आईडी का लोगो होता है ऊपर की तरफ, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आके आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा मैनेज ऑल हिस्ट्री, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने आपकी आईडी खुल जाएगी जिससे भी आपने ये आईडी बना रखी थी, जिसको आपने वीडियो को वॉच किया था। उसके अलावा भी अगर आपके मल्टीपल आईडीज हैं तो उनमें से कोई भी एक आईडी को सेलेक्ट करके आप चेक भी कर सकते हैं इसी तरीके से। तो सिंपली आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको कैलेंडर की तरह एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिख रहा है। तो बट हम यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करेंगे। कैलेंडर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन अगेन मिल जाता है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे कौन से साल पे आपने देखा था। तो मैं यहाँ पे 2020 को एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मेरी आईडी इतनी पुरानी है तो उतनी ही पुरानी चीजें भी दिखाएगी। अब मैं यहाँ पे जैसे कहीं पर भी अप्लाई कर देता हूँ और कोई भी डेट भी सेलेक्ट कर लेता हूँ तो उस हिसाब से आपको मंथ भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो हाल फिलहाल मैं इसको आज की डेट भी रहने देता हूँ, लेकिन मैं साल बदल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे YouTube हिस्ट्री के अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो आईडी है मेरी दोस्तों वो नई आईडी है जहाँ पर मैंने जिसे अभी बनाया था, और यहाँ पर मैंने कोई भी प्रीवियस यहाँ पे पास के अंदर कोई भी वीडियोस नहीं देखे थे। लेकिन अगर आप चेक करेंगे आपकी आईडी पुरानी है आपकी नई आईडी नहीं है, तो वहाँ जाकर आप इस तरीके से चेक करेंगे तो आपको डेफिनेटली पुराने वीडियोस वापस देखने का चांस मिल जाता है। और यहाँ पर 36 मंथ तक के बाद भी यहाँ पर ऑटो डिलीटेशन होती है, अदरवाइज आपका डेटा एक बार के लिए तो रहता ही है। अब बात कर लेते हैं दूसरे फीचर की दोस्तों। सपोज ये दोस्तों आपने बहुत टाइम पहले भी किसी वीडियो पे कमेंट किया हो, तो यहाँ पर हम उसको कैसे पता करेंगे कि हमको वो कमेंट वापस से देखना है। उसके लिए आपको वापस से सेटिंग्स पे जाना है, और यहाँ पर अगेन आपको मैनेज ऑल सेटिंग्स पे जाना है, यानी कि मैनेज ऑल हिस्ट्री पे जाना है सॉरी। और यहाँ कनेक्ट करने के बाद क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंटरेक्शन पे आ जाना है। इंटरेक्शन पे आने के बाद आपको बताएगा वीडियो लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कमेंट्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कमेंट्स रिप्लाई, लाइव चैट, चैनल सब्सक्रिप्शन, कम्युनिटी पोस्ट और परचेज एक्टिविटी, गिफ्ट सेटिंग्स, यानी कि ये सारी आपको सेटिंग्स यहाँ आपको बकायदा YouTube की तरफ से देखने को मिलती है। और एक बार क्लिक कर करके आप जैसे ही चेक करेंगे आपको ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें ये शो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे से ये पिन भी पूछ सकता है, यहाँ पर मैंने कितनी बार कमेंट मारा, कितने लोगों पे क्या क्या बोला, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कितना इंटरेक्शन हुआ सारी चीज़ों पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, और अगर आपसे पिन नहीं मांगते तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर अभी तक मैंने जितने भी वीडियोज़ देखे हैं वो ये सारे हैं, और जहाँ पर मैंने कमेंट किया, लाइक किया, डिसलाइक किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दी जाती है टोटली सेटिंग्स के अंदर। तो ये भी एक फीचर को एक बार आप यूज़ करके देख सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों तीसरी सेटिंग्स के ऊपर। तो तीसरी सेटिंग में दोस्तों जैसा कि आपने देखा अभी कि हमने बताया कि कैसे आप अपने डेट वाइज और कैसे कौन से ईयर में आपने चीज़ों को देखा था करा था, वो सारी हिस्ट्री आपकी यहाँ पर आ जाती है। लेकिन आपको ये नहीं पता दोस्तों कि आपका कोई फ़ोन अगर कोई अनदर पर्सन यूज़ करता है तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें ये बंदा जो आपका फ़ोन ले रहा है वो सारी देख सकता है। तो नेक्स्ट पर्सन जो भी होगा वो सारी चीज़ें ना देख पाए, उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन आपको उसके लिए सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद मैनेज ऑल हिस्ट्री पे आ जाना है, और यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है ऑटो डिलीटेशन 36 मंथ्स का। अब यहाँ पर आप चाहे तो इस पर क्लिक करके 3 मंथ्स वाला भी कर सकते हैं, चाहे तो 18 मंथ्स वाला भी कर सकते हैं, और चाहे तो 36 मंथ्स वाला भी कर सकते हैं। इस तरीके से हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो डोंट ऑटो डिलीट एक्टिविटी भी कर सकते हैं, ताकि आपका डेटा जो आपने देखा था वो ऑटोमेटिकली डिलीट ना हो। इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ आज ही का डिलीट करना चाहता हूं, तो आप डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखते हैं तो डिलीट टुडे और डिलीट कस्टम रेंज के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाती है, और डिलीट ऑल टाइम, जैसे कि आपने जितनी बार भी जो भी चीजें देखी यानी कि कमेंट्स हो या आपके लाइक्स हो, वो सारा जो डेटा है आपका वो टोटली डिलीट हो जाता है। तो ये एक काफी अमेजिंग फीचर है मेरे हिसाब से यूट्यूबर्स के लिए, क्योंकि यहां पर जितने भी यूट्यूब वाले देखते हैं यूट्यूब वीडियोस को, तो उनके लिए काफी अच्छी चीज है। तो इस वाले फीचर को भी एक बार आप यूज करके देख सकते हैं, काफी काम आएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चौथी सेटिंग की, जो कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजेदार लगती है और काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो सपोज कीजिए दोस्तों अभी हम इंडिया में हैं, हम यहाँ पर ट्रेंडिंग वीडियोस जितनी भी होती हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, है ना, जो कि इंडिया में चल रही है, तो हम यहाँ पे सारे वीडियोस को देख लेते हैं, ठीक है, ये इंडिया की ट्रेंडिंग वीडियोस है। लेकिन अगर आप चाहें कि भाई मैं जापान की, अमेरिका की, इंडोनेशिया की या फिर जर्मनी की कोई भी कंट्री में क्या ट्रेंडिंग वीडियोस चल रहे हैं आज के टाइम पे, तो आप उसको भी इजीली देख सकते हैं। करना क्या है, वापस से आपको लोगो पे क्लिक करना है, सेटिंग पे जाना है और जनरल पे क्लिक करना है। जनरल पे क्लिक करने के बाद आपको लोकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर ये डिफॉल्ट इंडिया सेट है, क्योंकि हम इंडियंस हैं, इंडिया के अंदर रहते हैं, तो हमारी लोकेशन भी इंडिया आएगी। उसके अलावा आप यहाँ पे कोई भी अदर कंट्रीज जहाँ जहाँ पे YouTube चलता है वहाँ की आप कंट्री को सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ जापान को, क्योंकि यहाँ पे जापान के अंदर लैंग्वेजेस भी चेंज आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ये चेंज होने के बाद हमें दिखाएगी नहीं। तो जापान पे हम जाते हैं, बैक साइड में करते हैं, और यहाँ पर हम ट्रेंडिंग ऑप्शन पे जाते हैं, तो ट्रेंडिंग पे जाने के बाद आप देखिएगा आपको सारी चीज़ें जापान से रिलेटेड दिख जाएगी। जो भी यहाँ पे ट्रेंडिंग सेक्शन होंगे आपको वही यहाँ पर
चलते हुए दिखाई देंगे, जो कि मेरे हिसाब से एक कंटेंट क्रिएटर के लिए हो या फिर एक यूट्यूब पे अपना एंटरटेनमेंट अदर कंट्री से लेना चाहते हो तो उनके लिए भी काफी अच्छी चीज है। अब आप चाहते हैं कि वापस से मैं इंडिया करना चाहता हूं तो वापस से वही सेटिंग्स में जाके जनरल क्लिक कीजिए, उसके बाद लोकेशन पे आइए और आप इंडिया पे आ जाइए। अब यहां पर हम हमारे इंडिया पे क्लिक कर देते हैं और इंडिया पे क्लिक कर देते हैं और आप रियल इंडियन है तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, साथ में वीडियो को शेयर भी करना और अपने क्या बोलते हैं जितने भी अपने फ्रेंड्स फैमिली है उनके साथ भी शेयर करना। और यहाँ पे हम ट्रेंडिंग पे आ जाते हैं और जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए जय हिंद, ताकि आप भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को एंजॉय कर पाएं। तो इस तरीके से आप ये सब चीजें देख सकते हैं कि कैसे आप इस चीज को एंजॉय कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे कमाल का फीचर जो है वो पांचवा फीचर है यहाँ पर। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम यूट्यूब काफी चलाते हैं तो हम उसको टाइम ट्रैक कैसे करेंगे, कैसे पता चले कि हमने कितनी देर हमारे यूट्यूब पे एप्लीकेशन को यूज किया है, तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है। और सबसे ज्यादा स्पेशली फीचर तो ये कमाल का उनके लिए है जो अपने घर में बच्चों को टैबलेट्स और मोबाइल फोन देते हैं, तो आप यहाँ पर वो देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा, कितनी देर देखा, और वो सारी चीजें आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो उनपे लिमिटेशन भी लगा सकते हैं। तो कैसे करना है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इसी लोगों पर क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है टाइम वॉच का। अब यहाँ पर टाइम वॉच के अंदर आपको दिख जाता है कि डेली आप एक मिनट से ज्यादा देर रहते हैं, 15 मिनट रहते हैं, आपने कौन से दिन सबसे ज्यादा यूज किया, जैसे मंडे वेडनेसडे थर्सडे, और उसके बाद लास्ट 7 डेज के अंदर आपने 6 मिनट यूज किया। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिल जाता है वॉच हिस्ट्री का। वॉच हिस्ट्री में आने के बाद जैसे हम कई बार बच्चों को देते हैं मोबाइल फोन, हमें याद नहीं होता तो पीछे से क्या क्या देख रहे हैं उनको पता नहीं होता ये सेटिंग्स के बारे में, लेकिन बड़ों को जरूर पता होना चाहिए। तो वॉच हिस्ट्री में आप देख सकते हैं उन्होंने क्या क्या देखा। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ लिमिटेशन भी बना सकते हैं, जैसे रिमाइंड मी टू टेक अ ब्रेक, जैसे आपने किसी बच्चे को दे दिया तो यहाँ पर आप इसको ऑन कर लीजिए, घंटों को सेट करके मिनट्स के साथ में उसे डन कर दीजिए, उसके बाद यूट्यूब ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आप जब भी सोने वाले हों, बच्चों को मोबाइल देते हैं फोन पे, जैसे आपको मालूम है आइडिया लग जाता है कि छोटे बच्चों को जल्दी नींद आ जाती है, तो हिसाब से आप यहाँ पे टाइम ऑन कीजिए और यहाँ पे अलार्म सेट कर दीजिए स्टार्ट टाइमिंग एंड टाइमिंग का, उस हिसाब से यहाँ पे बेड टाइम के हिसाब से यहाँ पे सेट कर देगा और उसके बाद फिनिश कर देता है। यहाँ पे ऑप्शन ये भी दे रखा है कि वेट अंटिल आई फिनिश माय वीडियो टू शो द रिमाइंडर, तो यहाँ पे वीडियो खत्म होने पहले आपको एक रिमाइंडर भी देगा, उसके साथ आप यहाँ पे ओके भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा कमाल का फीचर है, हमारे घर में बच्चे होते हैं आजकल यंग जनरेशन को सबको ये नई नई चीजें यूज करने का काफी शौक होता है गैजेट्स का, तो इस तरीके से आप ये वाला फीचर भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, बड़ा कमाल का फीचर। ये थी दोस्तों 5 अमेजिंग सीक्रेट सेटिंग्स जो कि हर किसी को नहीं पता है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि सबके काम इजी हो पाए। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए गाइस थैंक यू फ्रॉम टेक्टोनिक्स, टेक केयर।